जीजू भूख लग रही है। सुनो मेरे भाई के लिए कुछ बना के लाओ। जीजू मोमोज बना देना। साले क्या साले साहब, दिल्ली वालों को मोमोज नहीं खाने चाहिए। सब कहते हैं लोकल फूड ही खाना चाहिए वरना फैट इंक्रीज होता है। मोमोज सिर्फ नॉर्थ इंडिया में खाने चाहिए। चलो गौरव सर से पूछता हूँ फोन करके, वो एरुडाइट पर्सन है। एरुडाइट क्या होता है? जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा ज्ञान हो उसे अंग्रेजी में एरुडाइट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज एन एरुडाइट पर्सन, यानी वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। हेलो हेलो सर। सर मैं दीपांकर बोल रहा हूँ। हाँ दीपांकर, क्या दिल्ली में मोमोज खाने से वेट इंक्रीज होता है? नो इट्स नॉट लाइक दैट। वेट सिर्फ कैलोरिक सरप्लस से ही बढ़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने बजे खा रहे हो या कहाँ खा रहे हो। इवन पिज्जा खाने से भी वेट इंक्रीज नहीं होता, प्रोवाइडेड इट फिट्स योर मैक्रोस। सर आप सच में एरुडाइट हो? आप भी फिटर को फॉलो करके एरुडाइट हो सकते हैं और अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। हम भी फॉलो करेंगे। Why do you have ants in your pants? Ants in my pants? मेरी पैंट में चींटियां? To have ants in your pants, English का एक ये idiom है। इसका मतलब होता है to be very excited, यानी बहुत ज़्यादा excited होना। For example, तुम इतने excited क्यों हो? Why do you have ants in your pants? Sir, कल weekend है और कल मैं जम के पार्टी करूँगा। That's why I have ants in my pants। एक idiom बहुत बढ़िया है। ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया idioms के लिए और अपनी अंग्रेजी और personality को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करें। किसी को बहुत ज्यादा पीटने को, बहुत बुरी तरह किसी की पिटाई करने को अंग्रेजी में बैटर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज बीन बैटर्ड, यानी इसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। और ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत बुरी तरह से पीटा हो, यानी बहुत बुरी तरह से मार खाया हुआ व्यक्ति, उसे अंग्रेजी में बैटर्ड कहा जाता है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। चोटी रात के 8 बज गए हैं, डिनर कब देगा? ला रहा डिनर में इम साहब, ये लो चावल में इम साहब, दाल अभी ला रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तू ये बता रात को 7 बजे के बाद मैंने मना किया राइस नहीं बनाने, तो क्यों बनाई? वो तो साहब ने कहा बनाओ तो मैंने बनाए, उनको भी ऑफिस भेज दिए। ठीक है तू जा। ठीक है। अरे आज लेट आऊंगा, ऑफिस में बहुत काम है, मैंने चावल दाल भी यही मंगा ली। हाँ मालूम है, लेकिन क्या आप चाहते हो मैं मोटी हो जाऊँ इसलिए शाम को 7 बजे के बाद राइस बनवा रहे हो? अरे ये सब मिथ है बस। मेथी नहीं राइस। अरे मेथी नहीं मिथ, मिथ मतलब कल्पित कथा जिसमें सच्चाई ना हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज जस्ट अ मिथ, नॉट द रियल फैक्ट। अच्छा, आप फैट सिर्फ कैलोरिक सरप्लस से ही होते हो। इट रियली डजंट मैटर कि आप कितने बजे खाते हो, जब तक कैलोरीज ज्यादा नहीं होंगी आप फैट गेन नहीं करेंगे। ये तो बड़ा अच्छा फैक्ट बताया आपने, चलो बाय। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स और फिटनेस के लिए फिटर और अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। सॉरी यार देर हो गई यार। हाँ यार तुझे देर हो गई यार। जिस तरह से हिंदी में यार शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसी तरह से अंग्रेजी में मेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेट का वैसे मतलब साथी भी होता है, लेकिन जैसे लोकल लैंग्वेज में यार यार करके हम बोलते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में मेट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सॉरी मेट आई एम लेट। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। सॉरी मेट आई एम लेट। इट्स ओके मेट।